बजट के बाद गाड़ियां कितनी महंगी हो गई। वफाकी हुकूमत ने नए बजट में गाड़ियों पर टैक्सेस की एक मरतबा फिर भरमार कर दी है, जिसके बाद कीमतों में इजाफा देखने में आ रहा है। तफसीलात के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने बजट में मकामी सतह पर तैयार की जाने वाली गाड़ियों पर नया विद होल्डिंग टैक्स आयद कर दिया है। वजीर खजाना ने बताया कि गाड़ियों पर टैक्स अब एक्स फैक्ट्री कीमत पर आयद होगा, जबकि इससे कबल टैक्स इंजन की सीसी के मुताबिक होता था। 850 सीसी तक गाड़ी जिसमें आल्टो VXR भी आती पर कीमत का 0.50% 30 आयद होगा, जो कि 12,500 रुपए है, जबकि से कबल 10,000 रुपए टैक्स आयद था। 851 सीसी से 1,000 सीसी गाड़ियों पर कीमत का 1% टैक्स लगेगा, जो कि 38,580 रुपए बनता है, जबकि इससे कबल ये टैक्स 20,000 रुपए था। 1,001 सीसी से 1,300 सीसी तक कीमत का 1.50% टैक्स आयद किया गया है, जो कि 56,985 रुपए बनता है, जबकि अलिफ से कबल ये टैक्स 25,000 रुपए था। 1,301 सीसी से 1,600 सीसी तक गाड़ियों पर कीमत का 2% टैक्स आयद होगा, जो कि 81,585 रुपए बनता है, जबकि इससे कबल ये टैक्स 50,000 रुपए था। यानी होंडा सिटी अब 31,000 रुपए मजीद महंगी हो जाएगी। 1,601 सीसी से 1,800 सीसी तक गाड़ियों पर कीमत का 3% टैक्स आयद होगा, जो कि 225,270 रुपए बनता है, जबकि इससे कबल ये टैक्स 1.5 लाख रुपए था। यानी ट्योटा की ग्रीन डी अब 75,000 रुपए मजीद महंगी मिलेगी। इसी तरह 1,801 सीसी से 2,000 सीसी का टैक्स बढ़ाकर 3,46,500 रुपए, 2,001 सीसी से 2,500 सीसी तक टैक्स बढ़ाकर 7,65,100 रुपए, 2,501 से 3,000 सीसी का टैक्स 9,56,720 रुपए और 3,000 से जायद सीसी गाड़ी पर टैक्स 11,39,880 रुपए कर दिया गया। इसी फार्मूले के तहत एमजी ने भी गाड़ियों की कीमतों में इजाफा कर दिया है। MGHS एसेंस की कीमत 80,99,000 रुपए थी, जो कि 2% विद होल्डिंग टैक्स लगने के बाद बढ़कर 82,060,980 रुपए पर पहुंच गई।